कितना जाम हो गया फैन। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्के राइडर में आपका स्वागत है। तो गाइस आज है ना डेविड भाई के पास आए, इनकी गाड़ी में लास्ट टाइम है ना फैन के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, और जैसे कि क्या बता दें कि आप सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं और दिखाते हैं कि आपके सर्विस सेंटर में क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरा तो मतलब दिल यही कह रहा है कि फैन ही ख़राब हुआ है। डेविड भाई कितनी परेशानी हो रही है इसमें? भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ना भाई, जैसे मैं बता दूँ अभी है ना तीसरी सर्विस भी नहीं हुई है इस गाड़ी की, और इसमें प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई, कभी मिसिंग और कभी फ़ैन की प्रॉब्लम। और भाई ये तुम्हें तो पता ही है भाई, ये इसको फायर फाइटर बोलते हैं, बोलते क्या अपनी गाड़ी का नाम ही फायर फाइटर है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती भाई गाड़ी के अंदर, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। और चलते हैं आज सर्विस सेंटर, दिखलाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कौन सर्विस करता है इसकी। और डेविड भाई बहुत गुस्से में है आज, दो तीन बार इसे संडे राइड पर भी नहीं जा रहे भाई ये। चलो गाइस चलते हैं अब सर्विस सेंटर और देखते हैं क्या होगा सर्विस सेंटर में। तो गाइस निकल गए सर्विस सेंटर के लिए और डेविड भाई आ गए अपने। काफ़ी ज़्यादा ना मैं बताऊं भाई, जाम वगैरह बहुत है यार यहाँ पर। भाई रोलिंग देखता हूँ अब तुम्हें, और यहाँ से होना है हमको लेफ्ट। पता नहीं यार कितना टाइम लगे गाड़ी के अंदर। ये रहा सर्विस सेंटर भाई आपके राइट हैंड पर, यामा का। और दिखला देता हूँ भाई ओसवाल ऑटो, दिखाते हैं आपको अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलते हैं भाई अंदर, क्या हुआ? मुझे तो ब्लैक अच्छा ही नहीं लगता। तो भाई आ रहे हैं वो भाई अपने, और फिर देखेंगे गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं आई। चलो डायरेक्ट भाई से मिलते हैं अपने। मनोज भाई हैं अपने, और डेविड भाई करवा रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए फ़ैन के लिए मशक्क़त कर रहे हैं भाई, और करवा दिए भाई ने अपनी बाइक को। डेविड भाई कितना टाइम लग रहा है इसमें अब? भाई जॉब कार्ड तैयार हो रहा है, और ये बीस्ट खड़ी है तुम्हारे भाई की, एक बार बताऊँ, ये खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, और ये खड़ी हुई है, और ये सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। सब बाइक अपनी अपनी सेगमेंट में बढ़िया है, और कमेंट करके बताना भाई आपको कौन सी बाइक बढ़िया लगती है। तो भाई थर्ड सर्विस हो रही है, गाड़ी चल चुकी है 7868, और इसकी थर्ड सर्विस होती है 9000 पर, हमने पहले ही करा। तो ये सूरज भाई हैं भाई, ये अपनी गाड़ी के ये करेंगे ठीक अपनी, सूरज भाई, और इनसे ऊपर पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं आई, थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं ये, देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। और ड्राइव लेकर आ गए हैं भाई, और सीधी अपनी गाड़ी अब अंदर, अपनी गाड़ी जाएगी लिफ्ट में ऊपर। तीसरी मंजिल से आ रही है वापसी है। डेविड कैसा लग रहा है तुझे? भाई नर्वस हो रहा है, ये होगा नहीं होगी, और ऐसा नहीं हो सकता भाई ये गाड़ी ना हो, ऐसी कोई चीज़ है जो इंसान के हाथ में ना हो, वो ना हो, सारा सारा बाइक के ऊपर आपके। तुम्हें से भाई निकली है बाइक बाहर, और ये जा रही है भाई डेविड भाई की गाड़ी अंदर, गाड़ी खड़ी कर देंगे और हम जाएंगे भाई उससे। हम नहीं जा सकते इसमें? जा सकते हैं भाई? ना भाई तू ही जा, आ जाएंगे। भाई लिफ्ट के अंदर कोई गेट नहीं है, ये तो खतरनाक सीन है यार। चैनल दे रखा है थी, बंद भी कर सकते हो खोल भी सकते हो भाई। गाड़ी अपनी रैंप पे खड़ी हो गई, पैडों की स्टैंड नहीं लगा रखा तुमने भाई इसमें? पैडों की स्टैंड नहीं है इसमें, मतलब आपके पास स्टैंड लगा रखा भाई। ये देख लो, ये नई चीज़ देखी है सेंटर में, पैडॉक की जगह भाई मेन स्टैंड लगा के काम चल रहा है। तो भाई फ़ैन ही जाम है, भाई ने चेक कर लिया, जैसे मैंने डेविड भाई को बताया था भाई फ़ैन इनका जाम हो गया, और ये नहीं पता भाई कैसे जाम हुआ है। अब ये भाई खोल रहे हैं फ़ैन को, छोटा सा फ़ैन है यार इसका, इतना सा। KTM है भाई, ब्रांड है वो, ये कहाँ लोकल बाइक है यार, चंदे महल से लिए, चंदा एक बार और बोल दे मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। भाई लोकल बाइक है ये, चंदा इकट्ठा करके लिए। और KTM क्या है? KTM तो ब्रांड है भाई। बजा ले गया पर नहीं, भाई ने खोल दिया रेडिएटर पूरा, देख रहे हो भाई फैन कितना सा इसका, हीटिंग रबड़ भी लगी हुई है ना इसमें,
हीटिंग पैरों पर ना आए। तो ये कितना जाम हो गया, फ़ैन पूरा जाम हो गया और भाई ने निकाल दिया रेडिएटर फ़ैन इसका, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी में। और देख रहे हो भाई कितना छोटा सा फ़ैन है, वेवलेट लग रहा है मेरे को, वेवलेट वेवलेट है भाई ये। और ये भाई फ़ैन आ गया इसका बिल्कुल नया, और नया फ़ैन दिखा देता हूँ भाई कैसा है, घुमाओ देख रहे हो भाई ऐसे घूमना चाहिए, और जो कि वो जाम हो गया था पूरा। चलो यार इंस्टॉल करवाते हैं अपने भाई से, स्पेशलिस्ट सॉरी MT के R15 के, और ये करेंगे अपनी बाइक के अंदर फ़ैन इंस्टॉल, और फिर इसकी सर्विस वगैरह होगी, बेसिक सर्विस जो होगी, कूलेंट वगैरह टॉप अप होगा या फिर इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो भाई फ़ैन इंस्टॉल कर दिया भाई ने, और अब इसकी हीटिंग चेक करेंगे, हीट होकर फ़ैन वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, अब हीट होने का इंतज़ार करते हैं। अब कम से कम भाई टाइम लेगी अभी ये, 5 से 10 मिनट लेगी हीट होने में, उसके बाद फ़ैन चलेगा। हीट करी जा रही है भाई गाड़ी को, ये हो रही है भाई चैन इसकी क्लीन। आज तक अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर ही नहीं लेके गया भाई, खुद करना है सब चीज़ जो भी होना, चैन वैन कोई प्रॉब्लम आ गई, फ़ैन वगैरह, इंजन खुला नहीं आज तक ना कोई प्रॉब्लम आई, छोटी मोटी के बाद तो वैसे भी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। ये भाई अपनी गाड़ी के लिए यामाहा N12 स्पोर्टी प्रीमियम और 1040 है, फुल सनसेट ठीक। चैन देख लो भाई ने कैसी बिल्कुल चमका दी भाई, भाई डीजल से चैन वॉश करने का भाई अपना अलग ही स्वैग है, बिल्कुल नहीं जैसे, और गाड़ी चला ना बिल्कुल स्मूथ चलती है भाई। अब ये देख लो सर्विस सेंटर में भी भाई डीजल से क्लीन होती है सब, ये स्प्रे विस्प्रे ना सब बेकार के आइटम है, और डीजल यूँ बढ़िया है और पेट्रोल यूँ बेकार है, क्योंकि पेट्रोल से अगर बंदा चैन क्लीन करता है ना तो उसकी ऑयलिंग जो होती हैं वो कट जाती हैं, और डीजल से करते हैं चैन इसकी क्लीन तो डीजल के अंदर थोड़ा ना ऑयली ऑयली सा होता है, और इस वजह से चैन बिल्कुल बढ़िया से वर्क करती है। और गाड़ी अभी तक भाई हीट नहीं हुई है, फ़ैन दिखा देता हूँ भाई, इस पर फ़ैन नहीं चला, और इसे देख रहा भाई ऑयल फिल्टर भाई KTM के दो बनेंगे ये। कितना ऑयल फिल्टर भाई, इंजन भी तो छोटा है इस वजह से, ऑयल फिल्टर भी छोटा ही है। फाइनली फैन चल गया, आवाज़ सुन सकते हैं आप, एयर भी आ रही है भाई, बाकी ये फैन भी चल गया अपना, तो खुशी आ गई चेहरे पे। भाई को क्या कहना चाहोगे तुम, बस भाई कर देना बढ़िया से, तो भाई वही कर ही देंगे यार, फैन ऑब्वियसली बात है फैन खराब है तो फैन चेंज होने के बाद तो चलेगी गाड़ी है भाई। तो भाई ऑयल देख रहे हो, लेट कर रहे हो सर्विस, नहीं मेरे भाई कितना बार टाइम से आता हूं, कितना जल गया तेल भाई, इस बार भी मैं 1000 किलोमीटर पहले से ही आ गया हूं। मैंने चमका दी गई भाई गाड़ी तेरी, मैंने 9000 का इंतजार नहीं करा, मैंने ना लगा सर्विस, बहुत ज्यादा बर्न हो गया भाई इंजन ऑयल, और ये जो बर्न हुआ है ना भाई ये हीटिंग की वजह से बर्न हुआ है, जो गाड़ी इन्होंने फ़ैन नहीं चल रहा था यहाँ तक भाई तो पहुँचानी थी गाड़ी, और उसी में बर्न हो गया भाई ऑयल, ये ऑयल फिल्टर डलेगा। तो भाई पूरी डिटेल निकलाऊंगा भाई, कितने पैसे लगे सर्विस के अंदर और कितने नहीं लगे, फ़ैन के पैसे भाई ने लिए या नहीं लिए हमसे, तो भाई बने रहिए यार वीडियो में। और मोटे भाई अब नहीं काटो भाई, सुन सुन लो भाई, इनका स्पेयर पार्ट्स, सारे स्पेयर पार्ट्स रहते हैं यहाँ पर, और कुछ लोकेशन भाई देख लो ऐसी है। अरे हट जाओ, क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी पे भैया, हट जाओ भाई, ये घड़ी भी तुम्हारे भाई की गाड़ी, और सारे बंदे ना देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और यार थर्ड फ्लोर पर है ये जहाँ सर्विस हो रही है हमारी, ये इसके अंदर ऑयल फिल्टर, तो ये खड़ा हुआ ये रहा भाई अपनी जान का सर्विस सेंटर, ससुराल है भाई मेरी जान की, ये देख रहे हो कौन सी है, क्या नाम, दूसरे की ससुराल में खड़े होके दूसरे की ससुराल की तारीफ मत करो, अबे जाओ गरीबो गरीब भाई, बहस हो रही है यहाँ पर, शक्ल देख रहे हो बंदे की। क्योंकि लस रहा भाई मेरे से KTM का नाम सुन के, तुम भाई बहस खोल लिया तुमने, लोंडिया दिया KTM को, ये बता। अब मैं भी रोज वीडियो बनाऊंगा,
कुछ स्पेशल टूल हैं भाई ये यामा के, जैसे चैन पुलर हो गया, क्लच पुलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अलग अलग तरीके हैं। और ये है फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर एनालाइजर, ये इंजन ऑयल, देसी तरीका, नहीं फट रहा तो भाई ने ऐसे फाड़ दी। येलो कलर का इंजन ऑयल है भाई इस गाड़ी का, प्रीमियम दीजिए भाई ये। प्रीमियम नहीं है ये अभी, प्रीमियम नहीं है अभी, मोटुल में तेरा घर चला जाएगा, 1500 का डब्बा आता हो, समझ रहे हो तुम। इसमें कितने एमएल डलता है भाई, पूरा एक लीटर डलता है, सही है फिर, पूरा एक लीटर वाला इंजन ऑयल डलता है। बंदे बोलते हैं कि 900 ml डलता है, पर कंपनी एक लीटर लिख के देती है, एक लीटर ही है पूरा, और सारा डब्बा डाल दिया ये। इस गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, और जो भी बिल आया उसका नीचे ब्लिंक कराएंगे हम लोग। फाइनली अपनी MT की सर्विस पूरी हो गई है, और भाई थर्ड सर्विस में देखो कितना कॉस्ट आया, 1170 रुपये का कॉस्ट आया, और कुछ ये लुक आ रहा है भाई गाड़ी का। पूरी भाई ने प्रॉपर क्लीन वगैरह कर दी है, और ये एक चीज़ करी है भाई हमारे सूरज भाई ने। तो सूरज भाई कैसा लग रहा भाई सर्विस करके आपको भाई, लगता है तुम बताओ तुम्हारा कैसा लगता है भाई, डेविड भाई बताएंगे कि कैसा लगा है। सूरज भाई भी बढ़िया, सूरज भाई ने काम भी बढ़िया करा, और ये मनोज भाई ने भाई फैन खराब हो गया था, वारंटी में कवर करवाया भाई ने, तो भाई काफ़ी ज़्यादा, तो भाई मज़ा आ गया भाई आज की ब्लॉग में, देख रहे हो गए भाई बिल्कुल नई लग रही है भाई की गाड़ी। तो गाइस निकलते हैं यहाँ सर्विस सेंटर से अपना, और मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।